नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, मैंने इससे पूर्व आपका पार्ट वन वीडियो बनाया था, जिसमें आपकी 10वीं कक्षा, जो कि 15 फरवरी 2024 को आपके एग्जाम होने हैं बिहार बोर्ड के, उसके संदर्भ में 50 ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कशन किया था। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसी का पार्ट टू वीडियो, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे 51 से लेकर के 100 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। मैं आपको लगभग 500 ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कराऊंगा एग्जाम से पहले। आप उसको अच्छी तरह से देख लें, इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 50 मार्क्स सीधे सीधे एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। तो मैं लगभग आपको 500 ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कराऊंगा और आप बारीकी से उसका अध्ययन कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला और पार्ट टू वीडियो का पहला और आपके सजेशन का 51 क्वेश्चन नंबर। हमारा प्रश्न है कि हिरोशिमा शीर्षक कहानी, सॉरी यहाँ कहानी नहीं होगा, हिरोशिमा शीर्षक कविता, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया, किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो मैं आपको बताया था कि हिरोशिमा जो कविता है, ये एक महाकाव्य, एक काव्य से लिया गया है, और उस काव्य का नाम है सदा नीरा। उस काव्य का नाम है सदा नीरा, याद रखिएगा, उस काव्य का नाम क्या है जी, सदा नीरा। ये हिरोशिमा, आप सबको पता है कि जापान का एक शहर था, जिसपे अमेरिका के दौरान, विश्व युद्ध के जो दौरान है, इस पे एटम बम गिराया गया था, जिसके कारण यहाँ की जो स्थिति थी वो काफी भयावह हो चुकी थी, यहाँ की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी। इसी पर जो कविताएं लिखी गई थी, जिसका नाम था हिरोशिमा। और ये जो हिरोशिमा कविता है, ये याद रखिएगा, ये किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये हमारा जो है सदा नीरा कविता से लिया गया, ये जो सदा नीरा काव्य संग्रह है उससे इसको लिया गया, यानी 51 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी की कविता निम्न में से कौन सी है। तो अभी तुरंत मैंने आपको जो 51 में बताया था, यही उसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिरोशिमा। यानी हिरोशिमा के जो रचयिता हैं वो कौन है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी हैं। इन्होंने ही हिरोशिमा कविता लिखे हैं, जो कि सदा नीरा काव्य से संकलित है, जो कि इसका अगर हिरोशिमा की बात करेंगे तो ये भी एक छोटा सा टुकड़ा है, और वास्तव में इसका जो विस्तृत रूप है वो कौन सा है, सदा नीरा। तो दोनों यानी आपका 51 और 52 नंबर प्रश्न एक ही पार्ट से है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए 53 नंबर सवाल है, आत्मयजी नामक प्रबंधनकार, आत्मयजी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है। तो ये रचना है कुंवर नारायण की, ये रचना किसकी है, कुंवर नारायण की, जिन्होंने एक वृक्ष की हत्या कविता पाठ को रचे थे, वो इन्हीं का जो है क्या है, आत्मजयी नामक जो प्रबंध महाकाव्य है इनकी ही रचना है। अगला सवाल है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था। देखो एक वृक्ष की हत्या जो कविता था, इसमें कह रहा कि कौन हमेशा चौकन्ना रहता था। तो जब भी कभी कभी बाहर से अपने घर लौटते थे, तो उसके घर के आगे में एक बूढ़ा चौकीदार, हम जो कि वृक्ष था, वो हमेशा जो है ना चौकन्ना खड़ा रहता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्ष, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वृक्ष, क्योंकि जब भी कभी कभी अपने घर आते थे तो उसके घर के सामने एक बूढ़ा सा वृक्ष था, जो कि चौकीदार की भांति हमेशा जो है ना चौकन्ना खड़ा रहता था, जो कि चौकीदार की भांति हमेशा जो है चौकन्ना खड़ा रहता था। अगला सवाल है, किस काव्य संग्रह पर ब्रेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी हमारे जो ब्रेन डंगवाल जी हैं, उन्होंने कौन सी कविता, सॉरी साहित्य, सॉरी काव्य संग्रह लिखा, जिसके कारण उन्हें जो है आपको क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका नाम है साहिताल, याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, साहिताल। यानी साहिताल एक काव्य संग्रह है,
और इस काव्य संग्रह के कारण याद रखिएगा कि बीरेन डंगवाल जी को जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला सवाल है कि बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलते रहता है। तो बीरेन डंगवाल जी जो है हमारी नींद कविता के रचनाकार हैं और इनके अनुसार जो हमारी नींद है ना इसमें जीवन व्यापार चलते रहता है। जीवन व्यापार का मतलब क्या कि मनुष्य का जीवन या अलग अलग जो प्राणी है इस दुनिया में उसका जीवन लगातार जो है वो चलते रहता है, बहुत सारे जन्म लेते हैं और बहुत सारे मारे जाते हैं। तो यानी जीवन व्यापार के बारे में बीरेन डंगवाल जी ने हमारी नींद कविता शीर्षक में वर्णन किए हैं। चलिए 57 नंबर सवाल है बोर्ड पर, कह रहा पहली विफलता पर छलके ये विकास कथा के यह पंक्ति आंसू ही है, शायद प्रथम अक्षरा प्रथमाक्षर सृष्टि के विकास किस कविता से ली गई है। यानी जब माँ अपने बच्चों को प्रथम अक्षर ज्ञान सिखा रही होती है तो बच्चे बार बार उसे सीखते हैं और बार बार उसको भूल जाते हैं। तो ये जो अनामिका जी के द्वारा लिखा गया एक कविता है और इस कविता का नाम है अक्षर ज्ञान। तो यहाँ पर जो पंक्ति लिखी गई है कह रहा कि ये किस कविता से संकलित है, तो याद रखिएगा ये जो है हमारे अक्षर ज्ञान कविता पाठ से संकलित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही आंसर। और इनके जो रचनाकार है वो कौन है, अनामिका जी है। इनके जो रचनाकार है वो कौन है, अनामिका जी है। चलिए अगला सवाल है कि जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ था। देखिए जीवनानंद दास जी तो जी जो थे वे बंगाल के एक जाने माने कवियों में से एक थे और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो लगभग 55 वर्ष की उम्र में हुई थी। इसकी जो मृत्यु हुई थी ये लगभग कितने 55 वर्ष की आयु में हुई थी। लौटकर आऊंगा मैं फिर कविता के आपकी जो गोदली भाग दो है उनमें जीवनानंद दास जी का एक कविता है लौटकर आऊंगा फिर, इनके ये रचनाकार हैं। क्योंकि जीवनानंद दास जी को बंगाल से इतना अधिक लगाव होता है कि वे अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि अगर मैं अगला जन्म भी लूं तो मैं बंगाल में ही कहीं मेरा जन्म हो, चाहे वो मनुष्य में ना हो, कौवा में हो जाए, अबाबिल बन जाऊं, सारस बन जाऊं या फिर उल्लू बन जाऊं, लेकिन मेरा जो जन्म है अगर हम फिर से अगले जन्म में अगर हम आएंगे इस दुनिया में तो हमें बंगाल में ही हमारी उत्पत्ति हो, ऐसा जो है ना जीवनानंद दास जी की एक परिकल्पना थी। और इनकी उम्र थी 55 वर्ष जब इनका निधन हो गया, देहांत हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा था कि जीवनानंद दास जी का निधन कितने साल की उम्र में हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 55 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 55 वर्ष। चलिए अगला सवाल है कि झरा पलक किसकी रचना है। तो झरा पलक भी जीवनानंद दास जी की रचना है, मैंने कि जो जिन लौटकर आऊंगा फिर के जो रचनाकार हैं वही झरा पलक के भी क्या है, रचनाकार है। अगला सवाल है कि रेनर मारिया रिल्के जो कि एक विदेशी कवि थे और इन्होंने लिखा था मेरे बिन तुम प्रभु, आपकी जो गोदली भाग दो है इनका सबसे अंतिम कविता पाठ है जिनका नाम है मेरे बिन तुम प्रभु। तो इनके रचनाकार थे रेनर मारिया रिल्के जी और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1875 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था, 1875 ईस्वी में। कह रहा जूता शब्द क्या है, तो ध्यान रखो कि हमारा जो ये जूता शब्द है ये देशज है, क्योंकि इस शब्द की उत्पत्ति हमारे देश में हुई थी इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, देशज बोलेंगे। और अगर इसको हम लोग सू बोलेंगे तो ये विदेशज हो जाएगा, समझे। तो ये जो जूता शब्द है ये हमारा क्या है, देशज शब्द है। कथा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, आपको मैंने बताया होगा, अगर नहीं पता तो ग्रामर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिए। शब्द के मतलब विचार बनावट के विचार के दृष्टिकोण से शब्द के तीन भाग होते हैं, शब्द के तीन भाग होते हैं, योग रूढ़ योग और योग रूप। तो याद रखिये कितना भाग, तीन भाग होगा। चलिए करण निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए जब भी हम लोग उपसर्ग की बात करेंगे तो पहला वाला जो होगा ना, जैसे किसी भी शब्द का जो पहला भाग होगा उसे हम लोग बोलते हैं उपसर्ग,
और बाद वाला जो भाग होगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रत्यय। तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि निर्जन, देखो क्या कह रहा, निर्जन। तो इसका जो पहला अक्षर आ रहा निर, यानी पहला जो इसमें आ रहा क्या हो रहा है, निर। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमेशा रखिए कि किसी भी शब्द का पहला भाग आपका कहलाएगा उपसर्ग, और किसी भी शब्द का जो अंतिम भाग होगा वो हमारा कहलाएगा प्रत्यय। तो यहाँ पर कह रहा है निर्जन। अब निर्जन को अगर व्यग्रक निर प्लस जन, तो पहला भाग हो गया निर, तो निर हमारा क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। निर क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। इससे ज्यादा अभी आप नियम कानून मत देखिए, क्योंकि एग्जाम काफी करीब है, बस जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दें। चलिए 64 नंबर है कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। अब परिश्रम, तो इसको भी अगर परी और श्रम, पहला होगा परी और दूसरा हो जाएगा श्रम, तो अगर इसका उपसर्ग पूछे तो इसका उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परी, ऑप्शन नंबर ए। करा खिंचाव में प्रत्यय। अब यहां पर प्रत्यय का मतलब होता है कि बाद वाला भाग, प्रत्यय का मतलब हो जाएगा बाद वाला भाग, प्रत्यय का मतलब होता है बाद वाला भाग। तो अब ये इसमें बाद वाला भाग कौन सा हो जाएगा जी, आब, यानी क्या करा खिंचाव। अब ऐसे खी और इसके आगे में हो जाएगा खिंचाव, इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी खिंचाव। अंतिम जो पद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें जो आब है ना वो हमारा अंतिम शब्द का भाग है, इसीलिए आब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि सजावट। अब सजावट, अब देखिए इसको पढ़िए सजावट, तो लास्ट में रहा आबट, तो यहाँ पर जो आबट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यय। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट शब्द है दुख का पर्यायवाची क्या होगा। देखो पर्यायवाची का मतलब होता है कि इसी के समान शब्द, पर्यायवाची का मतलब होता है इसी के समान शब्द, मतलब इससे मिलता जुलता शब्द को हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। इससे जो मिलता जुलता शब्द है इसको हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर क्या रहा है दुख, तो दुख से मिलता जुलता शब्द इसमें क्या होगा, पीड़ा। आप सुने होंगे कि पीड़ा का मतलब भी दुख होता है, तो यहाँ पर जो हमारा दुख शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पीड़ा। तो 67 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर लिखा होगा वैधानिक, गलत लिख दिया टाइपिंग में, वैधानिक याद रखो यहाँ पर लिखा हुआ है वैधानिक, आपके सजेशन में ये बिल्कुल सही होगा, आप मिला लीजिए। कह रहा वैधानिक शब्द का उल्टा क्या होगा, विलोम का मतलब था उल्टा, याद रखो विलोम का मतलब उल्टा, विलोम का मतलब उल्टा। तो वैधानिक, वैधानिक का मतलब था कि नियम कानून से, और अगर इसको उल्टा कर देंगे तो अवैधानिक हो जाएगा, अवैधानिक, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा अवैधानिक। ये भी गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा अवैधानिक, अवैधानिक, तो याद रखिएगा। यहाँ पर सवाल क्या था कि वैधानिक शब्द का विलोम क्या होगा, तो वैधानिक शब्द का विलोम हो जाएगा अवैधानिक, वैधानिक शब्द का विलोम हो जाएगा अवैधानिक। कह रहा सरस्वती, जो कि आपको 14 फरवरी को आने वाली है सरस्वती पूजा, और सभी छात्र छात्राओं को हमारी प्रेरणा टीम की ओर से आमंत्रण है, खास करके आप लोग आ नहीं पाएंगे लेकिन जहां भी रहें एक बार जरूर माँ का स्मरण कर लीजिएगा, क्योंकि 14 फरवरी को सरस्वती पूजा और 15 फरवरी का आपका एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे जो आसपास में होंगे वही प्रेजेंट होंगे, जो दूर हैं तो जहाँ से हैं वहाँ से नमन कर लीजिए कि माँ हमारा जो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छा आवे, और हम जब परीक्षा दे रहे हो तो पूरा एफर्ट मेरा उसमें शामिल है। तो चलिए सभी को प्रेरणा परिवार की ओर से सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामना, और आप सभी छात्र एवं छात्राएं इस पूजा में कोचिंग में आमंत्रित है। चलिए सवाल कह रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर बोला नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा सरस्वती नहीं है। देखो अब 14 फरवरी को सरस्वती पूजा है और हम लोग को जानना चाहिए कि माता सरस्वती का और कौन कौन सा नाम होता है, जैसे शारदा, नाम सुनेंगे शारदा भी माता सरस्वती का ही नाम है, महाश्वेता ये भी सरस्वती माँ का नाम है, बीना पानी आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे बीना पानी, ये भी महा सरस्वती का नाम है। लेकिन यहाँ पर जो गौरी है ना भाई, गौरी है माता पार्वती का नाम, इसका मतलब ये माता सरस्वती जी का नाम
नहीं है। तो चूंकि कह रहा कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरी। चूंकि गौरी जो है वो माता पार्वती जी का पर्यायवाची नाम है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगली प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। कह रहा परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखो परिचारक, जैसे मान लो कहीं पर कार्यक्रम हो रहा है तो कुछ अलाउंसर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परिचारक। जैसे मान लो कि कहीं पर कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, डांस हो या कुछ भी, तो सबसे पहले कुछ लोग आते हैं वहां पर माइक लेकर खड़े हो जाते हैं और वो आपको कहेंगे देवी एवं सज्जनों या फिर भाई एवं बहनों, आज हमारे ये फलाना कार्यक्रम है, ये सब वगैरह आप सुने होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या परिचारक। क्या बोलते हैं भाई? परिचारक। तो ये जो परिचारक है इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। जैसे मान लो कहीं पर स्टेज को संबोधित किया जा रहा है और अगर कोई जेंट्स है, कोई पुरुष है, तो उसको परिचारक बोलेंगे। अब कुछ देर के बाद कोई महिला जो है मंच का संचालन करना शुरू कर दे, उसको बोलेंगे परिचारिका। उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? परिचारिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिचारिका। यानी जो अलाउंसर है अगर वो फीमेल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं परिचारिका, याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिचारिका। अगला सवाल है अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जैसे अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि मैं अभी आपको क्लास दे रहा हूं और आप हमसे क्लास ले रहे हैं और हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई मेरे चैनल को थोड़ा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, इसको अलग अलग ग्रुप में शेयर कर लो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको लगता है हम क्यों करें, सर का काम है पढ़ाना, मेरा काम है पढ़ना। तो इसी को बोलते हैं उल्लू सीधा करना, इसको बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम बन गया, इसके बाद कुछ लेना देना नहीं है। तो आप इसमें से खोजिए, तो अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या हुआ कि अपना काम बन गया और दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना, तो अपना काम निकालना। इसका सही आंसर हो जाएगा अपना काम निकालना, यानी मेरा ऑनलाइन क्लास कर लेना है और उसके बाद लाइक सब्सक्राइब या फिर इस वीडियो को शेयर नहीं करना, इसको हम लोग बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना, जो कि मनुष्य में नहीं होना चाहिए। अगर मनुष्य में ये भावनाएं लगातार बढ़ जाएगी तो हमारा सब जो समाज है ये निश्चित रूप से विकसित नहीं बन पाएगा। तो लोगों में ये जो भावनाएं अपना उल्लू सीधा करने वाला ये नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा दूध का दूध और पानी का पानी, इसका मतलब क्या होता है। दूध का दूध और पानी का मतलब होता है कि सही से न्याय करना। जैसे मान लो कि किसी का क्या हुआ कि किसी के साथ नाजायज हो गया और वो लगातार जो है न्याय की भीख मांग रहा है और उसको न्याय मिल ही ना रहा, और अंततः वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता और वहां पर उसको सटीक न्याय मिल जाती है, तो इसको बोलते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना। इसका मतलब हो गया कि सही न्याय होना, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, याद रखिए सही न्याय मिलना का मतलब होता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो सीमांत लिखा हुआ सीमा जोड़ अंत, खोजिए कहाँ, ऑप्शन नंबर डी सीमांत। सीमा जोड़ अंत का मतलब होता है सीमांत, संधि विच्छेद का मतलब होता है उस शब्द को टुकड़ों में बांट दो, तो सीमांत का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सीमा जोड़ अंत, यानी 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत जोड़ लास बराबर हो जाता है उल्लास, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ध्यान रखिए वो इसका सही आंसर हो जाएगा। उल्लास का जो संधि विच्छेद होगा उत जोड़ लास मतलब उल्लास। करा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। देखो बच्चों जब भी नहीं वाला सवाल आवे ना तो समझ लो कि उसमें से स्वर संधि को खोज ढूंढो और जो स्वर संधि नहीं है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ है मतलब स्वर संधि, हर्षव है स्वर संधि, ए है स्वर संधि, यहाँ पर गो है, गो का मतलब ये हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। तो यहाँ पर आपका सवाल क्या पूछा गया? नहीं है, तो नहीं है का मतलब जो व्यंजन संधि है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी 75 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है। महात्मा का मतलब होता है कि महान हो है जिसका आत्मा, महात्मा का मतलब होता है कि महान हो जिसका आत्मा, उसको हम लोग बोलते हैं महात्मा। जैसे हमारे
एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें उनके योग्यता के आधार पर लोगों ने उनका नाम महात्मा रखा, मतलब उसका जो आत्मा है वो महान है। तो अगर हम लोग महात्मा को विग्रह करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो इसका मतलब होता है कि महान हो जिसका आत्मा। तो यानी ये एक प्रकार का वैसा समास है जिसमें प्रथम पद विशेष और अंतिम पद विशेषण हो रहा, मतलब एक पद विशेष और दूसरा पद विशेषण हो रहा। तो जिसमें एक पद विशेष और दूसरा विशेषण हो, उस प्रकार के समास को हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। तो यहाँ पर जो महात्मा शब्द है ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। महात्मा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है। देखो, गौरी माता पार्वती का नाम है और शंकर भगवान महादेव का नाम है, और दोनों मिलकर के अर्ध नारेश्वर है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीकेंट्री है। तो निश्चित रूप से यानी जितने प्रधान गौरी हैं उतने ही प्रधान शंकर हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जब दोनों पद प्रधान हो तो उसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। यानी वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि सेना नायक शब्द कौन सा समास है। अब देखिए यहां पर सेना ये एक शब्द हो गया और दूसरा शब्द हो गया नायक। तो इन दोनों शब्दों में जो नायक है वो प्रधान है, क्योंकि सेना को संचालित करने वाला जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं नायक। तो यानी सेना नायक में नायक शब्द प्रधान है, मतलब वैसा समास जिसमें अंतिम पद प्रधान हो तो उसे हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। तो यानी 78 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 78 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि जिसके माता पिता ना हो उसे हम लोग अनाथ कहते हैं। आप सबको पता ही होगा कि हमारे पूरी दुनिया भर में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता जो है इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे बच्चे को हम लोग बोलते हैं अनाथ। आपको पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर सवाल है कि हिंदी व्याकरण के अनुसार स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो याद रखो, हिंदी व्याकरण के अनुसार स्वर वर्ण की संख्या होती है 11। याद रखो, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। आप एक बार निश्चित रूप से हम लोग एक वर्ण माला, याद रखो वर्ण माला चैप्टर का पूरा जो है ना आपको व्याकरण का डिस्कशन कराएं, और निश्चित रूप से आपके 10th के एग्जाम में इस चैप्टर से सवाल पूछा जाएगा। तो जाकर के वीडियो ढूंढ लीजिए यूट्यूब पे, समझे, और निश्चित रूप से इस वर्णमाला चैप्टर को पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है कि निश्चित रूप से आपके 10th के एग्जाम में वर्णमाला एक्सरसाइज से सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा कि हिंदी व्याकरण के अनुसार स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 11। तो आप निश्चित रूप से वर्णमाला को देख लीजिए, ये हमारा बना हुआ है। चलिए अगला सवाल है, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया। तो समझो, ये जो हमारा कथन है ना, ये आपके दही वाली मगम्मा कहानी शीर्षक का एक अंश है, समझे। तो दही वाली मगम्मा, तो नाम भी हम बता दिए, कह रहा कि जब भी वो शहर बेंगलोर शहर में दही बेचने के लिए जाया करती थी तो वहां पर लेखिका का एक पुत्र था, जो कि जब भी मगम्मा वहां शहर पहुंचती थी तो जो लेखिका थी उसकी जो उसका जो पुत्र था वो बाहर आ जाता था और अपनी हथेली जो है ना दही वाले के सामने में फैला देता था और कहता था कि माँ जी हमें जो है ना कुछ दही दे दो। और मगम्मा भी क्या करती थी, बड़े प्यार से अपने चम्मच से निकाल करके बच्चों के हथेली पर दही रख दिया करती थी। और वो वही जो मगम्मा थी ना लेखिका से बार बार बोलती थी कि माँ जी आपने एक बहुत अच्छा बेटा, मतलब सोने जैसा बेटा आपने पैदा किया। तो ये कथन याद रखो किसका था, मगम्मा का था। ये कथन किसका था, मगम्मा का था, समझे ना, ये कथन किसका था, मगम्मा का था। अगला सवाल है कि शहर में रोज आकर दही देना और महीने में एक बार पैसे लेना, अभी भी होता है ना, अब तो दही नहीं मिलता है लेकिन हमारे भी घर में दूध वाले आते हैं, एक महीने डेढ़ महीने, कभी कभी अगर स्थिति खराब हो तो दो दो महीने तक बेचारे वेट करते हैं और उसके बाद जो है ना उसको हम लोग रुपया देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बारी, क्योंकि हमारे यहाँ जो कहते हैं अलग की बात है, लेकिन इस कहानी में
जो दही वाली मगम्मा थी पूरे साल भर, सॉरी महीना भर शहर के लोगों को दही देती थी, और जब महीना लगने के बाद एक बार हिसाब करके पूरे जो है ना एक महीना का हिसाब लेती थी और पैसा कलेक्ट करती थी। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बारी। इस प्रक्रिया को हम याद रखिए, क्या बोलेंगे? बारी बोलेंगे। तो हमारा जो 82 का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव के पद पे कौन थे? तो वो थे सात कोरी होता जी। याद रखो सात कोरी होता जी, जो कि आपको बाढ़ पर एक कहानी लिखे थे, समझे, ढहते विश्वास, समझे। इनका जो आपके दसवीं कक्षा में एक कहानी है ढहते विश्वास, जिसमें कि सीता नाम की एक महिला होती है और वो जो है बाढ़ से जूझती है और धीरे धीरे उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। काफी मार्मिक घटना है और इस घटना के जो लेखक हैं वो है सातकोरी होता जी, और ये उड़ीसा सरकार में वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव थे। जब आप काव्य परिचय पढ़ेंगे, सॉरी लेखक परिचय पढ़ेंगे, तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। चलिए हमारा 84 नंबर सवाल है कि माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई थी? ध्यान रखो जो माँ शीर्षक कहानी है जिसमें कि एक मंगू नाम की पागल लड़की पर कहानी लिखी गई है, ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। याद रखो ये किस भाषा में? गुजराती भाषा में लिखी गई थी ये कहानी। किस भाषा में? गुजराती भाषा में ये कहानी लिखी गई थी। चलिए अगला सवाल है कि माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठ करके विदा हुआ? यही जो आपका मंगू वाला कहानी था, तो मंगू जब पागल हो गई और उसको पागल खाने में भर्ती करने के लिए शहर अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो उस समय वो जो है ना अपने घर से जब निकली रेलवे स्टेशन के लिए, तो उस समय वो घोड़ा गाड़ी से गई थी। याद रखो किसे गई थी? घोड़ा गाड़ी से गई थी। बहुत सारे बच्चों को लगा कि सर ट्रेन से गया था। ट्रेन रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया था? घोड़ा गाड़ी किया था, और रेलवे स्टेशन से फिर शहर जो है ना वो रेलगाड़ी से गया था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? तो विदा हुए मतलब अपने घर से चले, तो अपने घर से वो चले थे घोड़ा गाड़ी, और रेलवे स्टेशन से फिर हॉस्पिटल तक या शहर तक पहुंचे थे रेलगाड़ी से। याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए 86 नंबर है कि काला पानी किनका एक लोकप्रिय उपन्यास है? तो इन्हीं का, ईश्वर पेटलीकर का, जिन्होंने माँ कहानी लिखा है ना, ये माँ भी यही लिखे हैं आपके 10th में, और इन्हीं का एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है ना लोकप्रिय उपन्यास है जिसका नाम है काला पानी। तो याद रखिएगा काला पानी के भी जो लेखक है वो ईश्वर पेटलीकर जी हैं। कौन है? ईश्वर पेटलीकर जी हैं। नेक्स्ट सवाल है पापती किस रोग से पीड़ित थी? आप सबको पता है कि पापती को एक विशेष रोग हो गया था, और इस रोग का नाम था मोनोजाइटिस। इस रोग का नाम क्या था? मोनोजाइटिस। याद रखो इस रोग का नाम था मोनोजाइटिस, जिसका इलाज जो है गांव में था ही नहीं, और अंततः जो है ना पापती को शहर लाया गया उनकी माँ बल्ली अम्बाल के द्वारा। लेकिन वो शहर के हॉस्पिटल इतने बड़े थे कि बल्ली अम्बाल जो है अपने आप को वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाई, और अंततः बिना इलाज कराए हुए वो क्या की, शहर छोड़ करके या हॉस्पिटल छोड़ करके अपने घर भाग आए। चलिए तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा बल्ली अम्बाल को कितने नंबर वाले कैमरे में जाने के लिए कहा गया? जब हॉस्पिटल गई थी तो उसके उसकी बच्ची को एडमिट करना था, तो वहां पर जो काउंटर था ना उसमें एक नंबर दिया था कि इतना नंबर में जा करके आप जो है ना जाइए और वहां अपनी बेटी को भर्ती करवाई। तो वो कैमरे का जो नंबर था वो था 48वां नंबर, और आप पता है एक एक हॉस्पिटल में 500-500 कैमरा रहता है। अब जो बिना पढ़े लिखे हैं पूरा हॉस्पिटल जितना जितना बड़ा गांव में लोग का गांव होता है ना पूरा, उतना बड़ा बड़ा जो है ना बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल होता है। तो अक्सर जो ग्रामीण महिलाएं होती है अगर वो किसी बड़े हॉस्पिटल में जाती है तो निश्चित रूप से उनको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। तो इस कहानी में इसी दृश्य को दिखाया गया। और दूसरी बात कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं खास करके हॉस्पिटल के, खास करके जो नर्स हो या जो निम्न पद पर बैठे हुए जो कर्मचारी होते हैं उनका जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल भी व्यवहार कुशल नहीं होता है। कई बार हम लोग भी इसका जो है ना खामियाजा भुगते हैं, और धीरे धीरे अब सरकारी हॉस्पिटल जाना ही छोड़ दिए, तो निश्चित रूप से उनके बोली में लगेगा कि बीमारी से तो बाद में ठीक होना है,
पहले ही उसके बोली से आपका दर्द और बीमारी बढ़ जाएगा। इस प्रकार सरकारी हॉस्पिटल में कुछ कर्मचारी रहते थे, इसका भी इनको नुकसान मिला और अंततः जो है वो घर छोड़ करके, सॉरी हॉस्पिटल छोड़ करके अपने घर लौट आई थी। अगला सवाल है कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? धरती कब तक घूमेगी कहानी में जो कैलाश था उनकी पत्नी का नाम क्या था? क्योंकि कहानी में तो इसकी पत्नी का नाम कहीं नहीं आया था, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी पत्नी का नाम था राधा। याद रखो इसकी पत्नी का नाम था राधा, जो कि एक नंबर झगड़ालू औरत थी। कह रहा पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? लक्ष्मी वही जो आपका डहते विश्वास कहानी है, मैंने ऊपर में सीता बोल दिया, आप गलती हो गया था, आप सुधार लीजिएगा कि जो डहते विश्वास में जो मुख्य पात्र है, मुख्य जो नायिका है उनका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी जब लगातार बारिश को देख रही थी तो उन्हें किस बात का डर सता रहा था? तो आप कोई भी जो है बांध के किनारे में घर बसा कर रहेगा और लगातार बारिश हो, लगातार पानी बढ़े, तो उसको किस चीज का भय दिखेगा? हम लोग को भी पता है क्योंकि हम लोग भी बाढ़ इलाके वाले एरिया से आते हैं, अगर लगातार बारिश हो और नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते चला जाए तो प्रत्येक दिन हम लोग को डर बना रहता कि अब बाढ़ आ जाएगी। कभी कभी तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि बाढ़ आवे ना आवे रात रात भर हम लोग जगे रहते हैं। कोई जान बूझ करके मैसेज कर देता है मजा लेने के लिए, फलना बांध टूट गया, और अब रात भर लोग जो अपना सामान उमान लेकर के छत पे चले जाते हैं, और जब सुबह होता तो पता चलता है कि मैसेज गलत था। तो ये सभी चीज हम लोग बिहार में भी झेलते हैं, उड़ीसा में भी हमारी तरह बाढ़ और सुखार जैसा अप्रिय घटना हमेशा घटित होते रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लगता है कि निश्चित रूप से इस बार बाढ़ आएगी। अगला सवाल है कि मंगू किस कहानी की पात्र है? माँ कहानी की पात्र है। आप सबको पता है कि मंगू जो थी एक पागल लड़की थी, घर के जितने भी लोग थे वो सब कह रहे थे कि इसको जो है ना मंगू को अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन उसकी माँ मंगू से इतना प्यार करती थी को किसी भी परिस्थिति में वे मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। लेकिन अंततः एक घटना घटित हुई उनके गांव में, उन्हीं के समकक्ष एक लड़की पागल हो गई और जब उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वो ठीक हो गई। और जब ये बात इसकी माँ को कहा गया तो माँ दिल पर पत्थर रख करके मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अस्पताल गई, और जो ही अस्पताल से लौटकर घर आई तो मंगू की माँ भी जो है ना पागल हो गई, और अंततः माँ और बेटी दोनों को एक ही पागल खाने में रख दिया गया। इससे ये पता चलता है कि माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। तो ये कहानी एक मंगू किस कहानी की पात्र है? तो माँ कहानी की पात्र है। याद रखो किस कहानी की पात्र है? तो माँ कहानी की पात्र है। बहुत सारे बच्चों को लगता है बड़ा स्पीड से सर कहानी आप बोल देते हैं, चूंकि आपका एग्जाम भी तो बड़ा स्पीड में होने वाला है ना, तो जितना जल्दी हो, चूंकि हमारे पास समय काफी कम है, अगर डिटेल से पढ़ना है तो आप अपने जूनियर को भेजिए हमारे यहाँ, हम लोग क्लास में तो पूरे एक साल काफी डिटेल से बताते हैं। चूंकि अभी एग्जाम काफी करीब है तो जितना जल्दी जल्दी हो सके मैं आपका ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करा रहा हूँ। कर बल्ली अम्बाल की बेटी का नाम क्या था? तो बल्ली अम्बाल की बेटी का नाम था पापती। ये ना बीमार हुई थी जिसको कि मोनोजाइटिस नामक बीमारी हो गया था, और बड़े अस्पताल में गांव के जो डॉक्टर थे उसको अस्पताल में भर्ती करने के लिए सलाह दिए थे। तो बल्ली अम्बाल की पुत्री का नाम क्या था? तो याद रखो पापती। बल्ली अम्बाल की पुत्री का नाम क्या था? पापती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था? सबको पता है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी। यहाँ पर दुख लिखा है जो बिल्कुल गलत है। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी। क्यों? क्योंकि सीता के कुल मिलाकर तीन पुत्र थे और तीनों शादीशुदा थे, तीनों घर में तीन तीन बहुएं थी। इसके बावजूद भी घर में कोई भी बच्चा माँ को रखना नहीं चाहता था, वो अपने माँ को अपने यहाँ रहने देना एक बोझ समझता था, और महीना महीना में पाली बांध दिया था कि एक महीना मेरे यहाँ रहेगा, दूसरे महीना दूसरे के यहाँ, और तीसरे महीना तीसरे के यहाँ। जिसके कारण जो सीता थी ना वो अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो कुछ शब्द लिखे गए हैं, आप बचपन से आप लिखते आ रहे होंगे, इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है आशीर्वाद, ये बिल्कुल सही है। तो कभी कभी आपको स्पेलिंग लिखना भी आना सही सही जरूरी है। ये बोर्ड के एग्जाम वाले आपसे मजे लेने के लिए इस प्रकार के सवाल आपसे पूछते हैं। तो कह रहा कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर सी यानी आशीर्वाद जो आपका शुद्ध शब्द है। कह रहा निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखो अब शुद्ध वाक्य कौन सा है, अब हम नीचे से कह रहा मेरे मेरा बात सुनो, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर होगा मेरी बात सुनो, गलत हो गया। प्यास से होठ सूख रहे हैं, ऐसा नहीं होता, प्यास के कारण होठ सूख रहे हैं, मतलब ये भी गलत हो गया। अब क्या मैंने यह काम करा है, करा है नहीं होता, मैंने यह काम किया है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब आपको पता ही चल गया होगा कि आपके दर्शन कब होंगे, आप लोगों के दर्शन कब होंगे, इंटर में होंगे, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि तूने क्या कर, तूने गया होगा, गया होगा मतलब पता होता नहीं है, मतलब तुमने खाया होगा, उसने पहना होगा, मतलब सभी बातें जो है ये भूतकाल में होने वाली चर्चाएं हो रही है। अब कह रहा है इसमें से कौन सा काल है, तो आप सबको पता है भूतकाल है। तूने गया होगा मतलब मैं था नहीं, मेरे अब्सेंट में तूने गया होगा, तुमने पढ़ा होगा, तूने खाया होगा, तुमने फांकी मारा होगा, ये सभी बातें जो है ये भूतकाल का है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है वह कल घर जाएगा, अभी अगर अभी तक गया नहीं, जाएगा। आप लोगों की एग्जाम 15 फरवरी को होगी, आप लोग मन लगाकर पढ़ेंगे, तो ये सभी बातें क्या हो रही है कि भविष्य में हो रही है। तो जब घटनाएं भविष्य में घटित हो तो उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं, क्या बोलते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। तो 97 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करा बरगद और पीपल की घनी छाव, बरगद और पीपल की घनी छाव, हमें बहुत सुख मिला, इस वाक में कौन सा पदबंध है, याद रखो। तो इस वाक में पदबंध जो है ना हमारा ये विशेषण पदबंध है, याद रखो, इस वाक में हमारा विशेषण पदबंध है, इस वाक में हमारा क्या है, विशेषण पदबंध है। करा राम आया और सो गया, राम आया और सो गया, इसमें देख रहे हो दो गो वाक है, एक राम आया और फिर और वह सो गया, तो जब दो वाक आपस में मिले तो उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त वाक, जब दो वाक आपस में मिले तो इसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त वाक। और इसी के साथ हमारा लग गया संचूरी। और 100 नंबर सवाल है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, देखो सबसे बड़ी बात यह प्रेरित करे, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैं भी आपको एग्जाम आप लोग देंगे, लेकिन एग्जाम देने के लिए हम आपको प्रेरित करते हैं, पूरे एक साल पढ़ाते हैं और अलग अलग प्रकार का मोटिवेशन देते हैं कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, अगर आप ज्यादा नंबर लाते हैं टॉपर बनते हैं, तो इसका लाभ आपको मिलता है, लेकिन मैं आपको प्रेरित करता हूँ बार बार। तो ये जो प्रेरित करने वाला जो क्रिया होता है, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि 100 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस प्रकार आपका 100 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन समाप्त होता है।